Hey kids, good morning to all. I am Swati from Sandhu Convent School, your science teacher. So today I am explain next topic of lesson 2, okay? The leaf, patta, okay? Leaves grow on stems and they are of different shapes and sizes. जो पत्ता होता है वो तने पर बढ़ता है, वो तने पर उगता है, ओके। और जो ये पत्ता होता है वो अलग अलग शेप्स में रहता है, उनके साइज़ जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, बड़े छोटे, और उनका शेप जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, ज़्यादातर जो पत्तियाँ होती हैं वो हरे रंग में होती हैं, बिकॉज दे हैव ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें एक वर्णक होता है जो कि क्लोरोफिल जिसे कहते हैं, विच इज़ ग्रीन इन कलर, और उसी की वजह से, उसी के कारण से इनका कलर हरा होता है। फंक्शन ऑफ ए लीफ, पत्ते का कार्य, दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। पत्तियाँ जो होती हैं वो पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं सूर्य के प्रकाश, हवा और पानी की उपस्थिति में। और सूर्य के प्रकाश और हवा और पानी की उपस्थिति में जब ये भोजन बनाती हैं तो इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये पत्तियाँ जो हैं वो गैस के आदान प्रदान में भी मदद करती हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड, जो पत्तियाँ हैं, कुछ पौधों की पत्तियाँ जो हैं वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखती हैं। द लीव्स ऑफ सच प्लांट आर ईटन एज फूड, और ऐसे पौधे की पत्तियों को हम फूड के तौर पे खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैबेज, स्पिनच एंड लेट्यूस। द फ्लावर, फूल, फ्लावर्स ग्रो ऑन स्टेम्स, फ्लावर जो है, फूल जो है वो भी तने पर ही उगता है। अ फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट, और ये जो फ्लावर होता है, फूल, वो एक पौधे का बहुत खूबसूरत सा भाग होता है। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, और ये किसी पौधे का प्रजनन अंग भी होता है। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स, सम फ्लावर्स चेंज इंटू फ्रूट्स, जो फ्लावर्स हैं ये भी अलग अलग शेप्स एंड साइज में होते हैं, तरह तरह के इनके शेप्स होते हैं, तरह तरह के इनके साइजेस होते हैं, और कुछ फूल जो होते हैं वो फल में चेंज होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, बदल जाते हैं, मतलब कुछ फूल जो होते हैं वही जाके फल बनते हैं। फंक्शंस ऑफ ए फ्लावर, यहाँ पे जो फूल का कार्य है देखिए उसका क्या कार्य है, ओके। दे हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस, वो पौधे के रिप्रोड्यूस में मदद करते हैं, मतलब उनके प्रजनन में हेल्प करते हैं। मोस्ट फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स विच मे बियर सीड्स, और कुछ फूल जो होते हैं वो फल में चेंज होते हैं, जो कि सीड्स मतलब बीज को सहन करते हैं। द फ्रूट, फल के बारे में, मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, ज़्यादातर जो फल होते हैं उनके अंदर बीज होते हैं। सम सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और कुछ जो बीज होते हैं वो प्लांट में बढ़ते हैं, वो बाद में प्लांट के रूप में विकसित हो जाते हैं। फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन एंड पपाया हैव मेनी सीड्स, वाटरमेलन में मतलब तरबूज में और पपीता में
बहुत सारे सीड्स होते हैं। आपने वाटरमेलन खाते टाइम देखा होगा कि उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, हमें खाते वक्त इसमें से बहुत सारे सीड्स को फेंकने पड़ते हैं। और पपाया में जब हम उसको बीज से कट करते हैं तो दोनों पार्ट में बीज हाफ ऑफ करके डिवाइड हो जाते हैं। फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड एप्पल्स हैव अ फ्यू सीड्स। और ऑरेंज में और एप्पल में ज़्यादा सीड्स नहीं होते, बस थोड़े थोड़े सीड्स होते हैं, मतलब 5-6, 4-5 ऐसे ही, वो भी बस बीच में। फ्रूट्स लाइक प्लम एंड मैंगो हैव ओनली वन सीड इनसाइड देम। प्लम जो होता है जिसको हम लोग आलू बुखारे कहते हैं, और मैंगो मतलब आम में, बस अंदर में उनके एक ही बड़ा सा बीज होता है। फ्रूट लाइक बनाना हैव नो सीड इन देम। और बनाना जो होता है उसमें एक भी बीज नहीं होता है इसके अंदर। द सीड, ए सीड हैज ए बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रायो इनसाइड इट। बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा होता है जिसे हम एम्ब्रायो कहते हैं, मतलब कि भ्रूण या गर्भ के नाम से जानते हैं। द एम्ब्रायो ग्रोज इन टू ए न्यू प्लांट वेन इट गेट्स प्रॉपर एयर वाटर एंड वार्मथ। ये जो एम्ब्रायो है वो बिल्कुल सही मात्रा में, जब इसको प्रॉपर मात्रा में, जब इसको हवा पानी और सूर्य का प्रकाश मिलता है, तब ये एम्ब्रायो एक न्यू प्लांट में विकसित हो जाता है। स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, ये स्टेज ऑफ जर्मिनेशन है। यहाँ पे देखो सीड, फिर इसमें से ये छोटा सा एक निकला हुआ एम्ब्रायो, फिर ऐसे 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 करके ये पूरा एक प्लांट बना है। द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इन टू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इन टू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। बीज को सीडलिंग में विकसित होने की प्रक्रिया को जर्मिनेशन कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। ओके, सो आवर सेकेंड चैप्टर हैज कम्प्लीटली फिनिश्ड। ओके, हेयर इज आवर एक्सरसाइजेज बुक वर्क। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, टेक द करेक्ट ऑप्शन। द फ्रूट हैविंग ओनली वन सीड इन साइड इट इज, कौन से फ्रूट में बस एक बीज होता है। सो पपाया में तो मेनी सीड्स होते हैं, एप्पल में उसमें भी सीड्स होते हैं, मैंगो में ओनली वन सीड होते हैं। सो आंसर इज मैंगो। द स्टेम्स ऑफ ट्रीज लाइक नीम, चेरी एंड सीसम आर हार्ड एंड वुडी, बिकॉज सॉफ्ट और वीक तो वो होते नहीं हैं, क्योंकि वो बड़े पेड़ होते हैं तो उनके तने जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं और वो बहुत ज़्यादा लकड़ीदार होते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ ए प्लांट इज फ्लावर। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है, लीफ होता है, नो, फ्रूट नो, सो आंसर इज फ्लावर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाई रूट। इनमें से कौन सा कार्य लीफ का नहीं है, पत्ते का। सो लीव्स जो है वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर नहीं करती है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, इट इज़ राइट, मतलब कि लीव्स जो है वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करती है। लीफ एक्स्ट्रा फूड स्टोर करती है, सो आंसर इज इट ऑब्जर्व वाटर पोसेट। दिस इज मेंशन हेयर अबाउट रूट ना, या सो आंसर इज इट स्टोर एक्स्ट्रा फूड। ये तीनों जो हैं ये कार्य हैं रूट के, ये फंक्शंस रूट में अवेलेबल होते हैं, बट ये जो है इट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड, इट इज़ रॉन्ग आंसर। ओके, सो आंसर इज
दिस बिकॉज लीव्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं। और यहाँ पे मेंशन है रूट के बारे में कि रूट के द्वारा कौन सा कार्य नहीं होता है। तो रूट इट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, ये पौधे को मिट्टियों में अच्छी दृढ़ता से एकदम पकड़ी रहती है, बांधी रहती है। इट हेल्प्स इन कैरिंग फूड फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज़ ऑल्सो राइट। एंड इट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये भी सही है, रूट का कार्य है ये। बट दिस वन इज रॉन्ग बिकॉज इट फंक्शन ऑफ द लीफ। हियर इज फिल इन द ब्लैंक्स, द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं उसे। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स एंड गिव्स देम ए ग्रीन कलर। क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जो कि पत्तियों में मौजूद रहता है और इसी के कारण इसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है। लीफ हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पत्तियाँ गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करती हैं। ए सीड हैज़ ए बेबी प्लांट इनसाइड इट, ए सीड हैज़ ए बेबी प्लांट इनसाइड इट। प्लांट्स लाइक राइस, वीट एंड अनियन हैव फाइबर्स रूट, वीट के, प्याज के और चावल के पौधे में कौन सा रूट होता है? फाइबर्स रूट होता है। चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स टू मेक द सेंटेंसेस करेक्ट, री राइट द आंसर सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड, इट इज़ योर होमवर्क। ओके, योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स,